महाराष्ट्र से सबसे बड़ी और दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने इस मामले में 2 से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी के ऑफिस के पास राम मंदिर के पास फायरिंग की बात सामने आ रही है। घटना करीब 9:15 बजे की है। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी पर 2 से 3 राउंड फायरिंग की गई। इनमें से एक गोली बाबा सिद्दीकी के सीने में आकर लगी और उन्हें तुरंत ही लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में ही उनकी मौत हो गई। एनसीपी नेता अजीत पवार गुट के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी को 3 गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर बांद्रा खिरवारी सिग्नल के पास उन पर गोलीबारी हुई और बाबा सिद्दीकी के पेट में 2 गोली लगी, जबकि एक सीने में लगी। यानी कुल 2 से 3 राउंड की फायरिंग बाबा सिद्दीकी पर की गई। हालांकि बाबा सिद्दीकी की हालत गंभीर थी, उस समय बाबा सिद्दीकी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाबा सिद्दीकी को बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान की काफी करीबी है।